इसराइल हमास युद्ध के आधा साल बीतने के बाद भी हर दिन के वार पलटवार से सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। कई बेघर हुए तो कईयों का पूरा परिवार खत्म हो गया। कोई अनाथ होकर सड़कों पर बेबस और बेतहाशा रोने को मजबूर है। ये खूनी जंग हर दिन एक नई तबाही लेकर आ रही है और ऐसा कोहराम मचा रही है कि इसका दर्द कोई भूल नहीं सकता। गाजा में इजरायली सेना कमजोर पड़ रही है, या यूं कहें कि युद्ध ने दोनों को एक स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दोनों ने ही एक दूसरे को खत्म करने की कसम खा ली है। इस बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोध इजरायली बलों से गाजा के जबालिया, अल जैतून पड़ोस, रफा और नेटजारिम इलाकों में भीषण जंग लड़ रहा है। लड़ाकों की ओर से जबरदस्त पलटवार का नतीजा है कि हमलावर इजरायली बलों को पीछे हटाने में कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। इजरायली सेनाओं के लिए मौजूदा टकराव बेहद खतरनाक माना जा रहा है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लड़ाके एक दिन में कई इजरायली बलों को मार गिराने तो वहीं बड़ी संख्या में सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा कर रहे हैं। हमास प्रतिरोध की मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने बताया कि उसने गाजा में अल जैतून के दक्षिण में एक इजरायली सैन्य बलों की टुकड़ी पर तोप से हमला किया। अल कसम ने अल जैतून के दक्षिण में यासीन 105 शेल से एक इजरायली मरकबा 4 टैंक को निशाना बनाया। ब्रिगेड के हमलावर इजरायली सेना पर हमले का एक फुटेज भी जारी किया है। इसमें अल जैतून के दक्षिण में लड़ाई के बाद हेलीकॉप्टरों से मारे गए और घायल सैनिकों को निकालते हुए दिखाया गया है। फिलिस्तीनी मुजाहिदीन की मिलिट्री विंग मुजाहिदीन ब्रिगेड ने जैतून क्लिनिक के पास एक एंटी आर्मर आईडी का इस्तेमाल कर एक इजरायली टैंक को उड़ा दिया। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अल कुछ ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल जैतून क्लिनिक के पास इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों को मोर्टार के गोले दागने का दावा किया। अल जैतून में हाई पेलोड बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल कर कई इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट किया। अल कुछ ब्रिगेड ने एक इजरायली स्काई लाइट ड्रोन का फुटेज जारी किया है जिसे उन्होंने गाजा शहर में मार गिराया। अलक्सा शहीद ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली बलों के ठिकानों पर मोर्टार हमले किए। शहीद उमर उल कासिम की सेनाओं ने दावा किया कि उन्होंने अल जैतून के पश्चिम में अली बिन अबी तालिब मस्जिद के आसपास इजरायली सेना को घेरने के लिए 107 छोटी दूरी के रॉकेट बरसाए। इजरायली सेना ने अल जैतून में लड़ाई के दौरान एक सैनिक की मौत की बात स्वीकार की है। इजरायली मीडिया ने पुष्टि की कि अल जैतून में 5 इजरायली सैनिक मारे गए थे। इससे इलाके में इजरायली घुसपैठ को विफल किया जा रहा है और भारी नुकसान हो रहा है। वहीं अल कसम ने दक्षिणी गाजा में रफा क्रॉसिंग के पास यासीन 105 एंटी टैंक आरपीजी के साथ एक इजरायली एपीसी को तबाह किया। अल कुछ ब्रिगेड ने रफा के पूर्व में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर मोर्टार के गोले दागे। साथ ही रफा के पूर्व में एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में एक इजरायली सैनिकों की असेंबली पॉइंट पर भी गोलीबारी की गई। बहरहाल गाजा में फंसी इजरायली सेना के लिए हमास और उसके सहयोगी मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। हर दिन लड़ाकों की ओर से हमलों में तेजी लाई जा रही है।